जो हियरिंग जिस तरह चली है और खासकर जजेस के जो कल के कमेंट्स आए थे, क्लाइचो नोट में बात हुई थी कि हाथी निकल गया और अब दुम रह गई है, इसका मतलब है मेन केस तो क्लियर है। खान साहब और शाह साहब पे कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे उनके आप इस तरह के संगीन गद्दारी के और इस तरह के केसेस बनाएं, बल्कि ऐसी लीडरशिप को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। बड़ा आसान होता है, माजी में इस तरह की चीज़ों को दबाया गया, बड़ा आसान होता है सर झुका के खामोशी से अपना टाइम पास करना। उसूलों पे जिंदगी गुजारने के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ता है। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे उस वक्त, उनके हल्क के मुताबिक, आइन के मुताबिक उनका हक था कि वो कौम को एतमाद में लेते, अपने कौम को एतमाद में लिया। कोई भी बड़ा लीडर जो है अपने कौम को एतमाद में लेता है। कौम को उन्होंने बताया कि क्या हुआ, और आप मुझे बताएं, मैं तमाम पाकिस्तानी से पूछना चाहता हूँ, सारे आप हमारे भाई इधर खड़े हैं, हमारा ताल्लुक किसी जमात से हो सकता है, किसी इलाके से हो सकता है, आप पश्तून हो सकते हैं, पंजाबी हो सकते हैं, पीपल पार्टी के होंगे, नून के होंगे, तरीके साहब के होंगे, लेकिन हम एक कदर मुश्तरक है, हम सब पाकिस्तानी हैं। तो जो भी पाकिस्तान का वजीर आजम हो, इमरान खान साहब हो या इमरान खान के अलावा कोई और शख्स हो, अलिफ हो, बे हो, जीम हो, जैद हो, बकर हो, अमर हो, जो भी वजीर आजम हो, एज अ पाकिस्तानी मेरी कौमी गैरत और हमीयत तो ये गवारा नहीं करती मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, कि बाहर के मुल्क का कोई भी ताकत, अमरीका हो, कोई और, वो हमारे वजीर आजम को थ्रेट करे। और चे जाए कि इमरान खान जैसा वजीर आजम जिसने जिंदगी में कभी किसी के सामने सर नहीं झुका है, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर खड़ा था, इसलिए खड़ा हो गया अमरीका के सामने, तो ऐसे वजीर आजम को तो जिंदा नहीं डालना चाहिए, उसको तो सर का ताज बना के रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये केस खत्म होगा, जिस तरह तोशे खाने वाले एक फजूल किस्म के केस में अल्लाह के करम से रिलीफ मिला है, सजा मुअत्तल हुई है, असल में तो केस ही खारिज होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल वो भी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। तो कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस दिया, और उस नोटिस के बाद अब ये भी इंडिया मोहतरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दिया कि वो शायद फुल बेंच इस पर बनाए, ये इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर वो फुल बेंच बनाते हैं तो सबको उस पर बड़ा एतमाद होगा। खासकर कल जो मोहतरम जज अथर मिनल्ला साहब ने कुछ सवाल बड़े चुपते हुए किए वफाकी हुकूमत पे, और उसका कोई जवाब नहीं था मोहतरम अटॉर्नी जनरल साहब के पास, कि जब ये सवाल हुआ अटॉर्नी जनरल साहब का मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस साहब के साथ कि हम तो आपके हर हुक्म की बजावरी करते हैं और कोई डेविएशन नहीं करते, ये अल्फाज यूज किए, तो उस पे अथर साहब ने थोड़ी देर बाद पूछा कि ये जो अदालतें रिलीफ देती हैं तो ये फिर आप MP ऑर्डर के तहत अदालतों के ऑर्डर्स को आप उसको अमल में लाने में अमर माने क्यों हैं, आप उन अहकामात हैं जो अदालतों के जो रिलीफ मिलती है, जैसे मेरे जैसे बंदे को अदालत से कोई मेरे ख्याल में 6 या 7 बार मेरी बेल हुई और 7 दफा मुझे गिरफ्तार किया गया, तो अदालत ही मुझे बेल दे रही थी, अदालत ही बेल दे रही थी, तो उस बेल के ऊपर फिर आप MP ऑर्डर जब जारी करते हैं तो क्या आप अदालत के हुक्म का एहतराम करते हैं? और इस पर फिर ये सवाल बहुत ही ज्यादा मैं समझता हूँ कि जमीर जगाने वाला था कि आंखें बंद ना करें। वफाकी हुकूमत को कल कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि आंखें बंद ना करें, आप जो है मुनाफिकत से काम ना लें, आज भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रेज हुआ है। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि ये जो 8 जजेस का लेटर था पाकिस्तान की तारीख में बहुत एक अहम वाकया है, माजी में ऐसा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस क्रिएट नहीं हुआ कि 8-6 जज साहबान ने जो लेटर लिखा है 6 जज साहबान ने, मैं समझता हूं कि ये इंस्टीट्यूशन के अंदर से जो है अल्लाह के करम से एक रिटेलिएशन आई है जुल्म के निजाम के खिलाफ, और चंद काली भेड़े हैं, सारा इदारा खराब नहीं होता, चंद लोग इदारे का नाम बदनाम करते हैं, इंसान से ही इदारा बनता है, इदारे की न खुद की जबान है, न इदारे के हाथ पैर होते हैं, ना कोई इदारा चलता फिरता है, हम लोग ही इदारे बनाते और बिगाड़ते हैं, चंद काली भेड़े आके वो इदारे को बदनाम करते हैं। उन इदारे के कुछ लोग अगर आए और उन्होंने इस मौजूद अदालत के जज साहबान को थ्रेट किया तो क्या पूरा इदारा जो है इस पे मुद्दे इल्जाम हो? तो पूरे इदारे ने तो नहीं किया होगा, तो चंद काली भेड़े होंगी, तो उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट अब लेगी कि वो कौन लोग हैं जिनकी इतनी जरूरत होगी है कि अब हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहबान को थ्रेट किया जा रहा है, और बाकायदा और भी जज साहबान को जो लेटर्स गए, ये चीजें काफी जो है ये सवालिया निशान है। और एक और चीज, क्योंकि सुबह खैबर पख्तूनख्वा से मेरा ताल्लुक है और मैं जजेस की पार्लियामेंट्री कमेटी का 3.5 साल मेंबर रहा, वैसे कौमी असेंबली के मेंबर और वजीर, मैं समझता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा का एक राइट है कि खैबर पख्तूनख्वा से हमारे मोहतरम जज साहबान एलिवेट हों, बाकी भी जो छोटे सूबे हैं बलोचिस्तान को भरपूर तवज्जो देनी चाहिए, इसी तरह पख्तूनख्वा को चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने जो एक लेटर लिखा है उसके हवाले से मैं ये कहूंगा कि उनका राइट है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को एलिवेट किया जाए और खैबर पख्तूनख्वा
को उसकी मुनासिब नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट में दी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तगड़ा और ताकतवर तब होगा जब तमाम सूबों की मुनासिब नुमाइंदगी होगी। बहुत शुक्रिया।